मुजरिम आता है उसको छोड़ देता है, मर्डर का आता है उसको छोड़ देता है, नशे का आता है उसको छोड़ देता है, बिना उसके सैंपल कराए क्या वो कंप्लीट हो गया, क्या वो फंसेगा हुक्का बार वाला? अरे हुक्के को क्या जान रहा है? मैं प्राइवेट जांच करवाऊं? बिल्कुल सर, मेरी प्राइवेट आर्मी भी है। सब ठीक है ना भाई? कहां है आप एसएचओ? ये इंसानों पर डाल रहे, कभी करवाया साहब इसको? अंदर घुस के दिखाओ, घुस के दिखाओ अंदर। सर मन तो मेरा कर रहा है मैं सारे थाने को सस्पेंड कर दूं, लेकिन बहुत सारे दस्तावेज अभी मेरे सामने आए नहीं है, इसलिए एसएचओ को, मुंशी को, नाइट मुंशी को मैंने सस्पेंड किया है। 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ये फिल्मी डायलॉग तो आपने सुना जरूर होगा, अगर हाँ तो पुलिस थाने के इन जवानों की हालत देखिए। आज से ये जवान भी अगर कुछ भी गलत करेंगे तो इनके जहन में यही आवाज आएगी कि भाई बचकर रहना, क्या पता हरियाणा का गब्बर कब आ धमके और सरेआम इज्जत का फलूदा बनाकर सारी पोल पलटी खोल दे। मुजरिम आता उसको छोड़ देता, मर्डर का आता उसको छोड़ देता, नशे का आता तो उसको छोड़ देता। हरियाणा का गब्बर यानी गृह मंत्री अनिल विज, ये नाम सुनते ही हरियाणा के तमाम पुलिस थानों में बैठे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पुलिस अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। जैसे इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये गब्बर जब भी आता है तो अधिकारी सिर्फ सुनते हैं, हाथ बांधे खड़े रहते हैं, कोई बोलता है तो वो गब्बर बोलता है और किस अंदाज में बोलता है जरा फिर से सुनिए। बिना उसके सैंपल कराए क्या वो कंप्लीट हो गया, क्या वो फंसेगा हुक्का बार वाला? अरे हुक्के को क्या जान रहा है? ये तस्वीरें पंचकुला के सेक्टर 5 की हैं, जहां पुलिस थाने में आज गब्बर की रेड पड़ी तो अफरा तफरी मच गई, पुलिस कर्मियों की सांसें फूलने लगी, पुलिस कमिश्नर तक की घिग्गी बंद गई और एसएचओ का तो ऐसा हाल हो गया कि उससे ना बोलते बना और ना समझाते बना। और ऐसा कहां से आ रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, कौन सी गैंग है, तूने तो सब छोड़ दिया। कैसा एसएचओ तू? मुजरिम आता उसको छोड़ देता, मर्डर का आता है उसको छोड़ देता, नशे का आता तो उसको छोड़ देता, बिना उसके सैंपल कराए क्या वो कंप्लीट हो गया, क्या वो फंसेगा हुक्का बार वाला? अरे हुक्के को क्या जान रहा है? हुक्के को क्या करना हमने? हमने तो हुक्का बार चलाने वाले को पकड़ना ना, और क्या वो पकड़ा जाएगा, क्या कोर्ट उसको सजा देगी? तो केगेज में तो वैसे रखा होता शौकिया, उसमें कुछ गलत आई नहीं, तो वो तूने छोड़ दिया, यू आर गिल्टी ऑफ दैट। हुक्का बार का एक केस था जिसमें थाने के एसएचओ ने आरोपी का सैंपल टेस्ट नहीं करवाया, लिहाजा मंत्री विज भड़क गए और एसएचओ को जमकर लताड़ा। थाने का निरीक्षण करते हुए विज ने सारी फाइलों को खंगाला, एक एक रजिस्टर चेक किया और बारीकी से उनकी जांच भी की। आलम ये था कि फाइलों में गलतियां मिलती गईं और पूरे फुल फॉर्म में आए मंत्री महोदय पुलिस कमिश्नर से लेकर एसएचओ तक को झाड़ लगाते गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंत्री विज ने थाने का एक एक कोना चेक किया। निरीक्षण के दौरान विज थाने के टॉयलेट में भी गए और एक टॉयलेट की खस्ता हालत देख विज इस कदर भड़के कि एसएचओ को बुलाया और सबके सामने जोरदार भड़ास निकाल दी। भाई कहां है आपे एसएचओ? ललित ये इंसानों पर डाल रहे, कभी करवाया साहब इसको? अंदर घुस के दिखा, घुस के दिखा अंदर। सर सर ये ब्लॉक हो गया था सर, ये बाथरूम ना सर, तो इसके लिए हमने बुलाया था सर, तो उसने बोला कि मेन हॉल खुलेगा फिर साफ होएगा, तो मेन हॉल में वहां पे सामान रखा कमरे में सर, वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जी कॉलोनी में, तो सारा सामान उसके नीचे मेन हॉल आता। कब का बंद पड़ा जी? सर एक महीना हो गया। एक महीना हो गया सर, पुलिस का अगर काम नहीं हो रहा तो बाकी तो बस हो गया सर।
सर हम लेके आए तुम ऐसे तो दिन को रात और रात को दिन कर देते हो, ठीक है ना। वो कह रहा तुम्हें आती है, तुम्हारे से एम्प्लॉयज का टॉयलेट ठीक करवाया था, इसका कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं करवाया जाता तुम्हारे से। सामने तो है, ये भी बना हुआ ना। थाने में शिकायतों की भरमार थी, एफआईआर तो इतने दर्ज थे कि विज साहब गिनती भी नहीं कर पाए। कितने मामलों में क्या कार्रवाई हुई कुछ सामने नहीं आया। थाने में खामियों की भरमार देख गब्बर पूरी तरह से झल्लाया हुआ था, लिहाजा विज ने मौके पर मौजूद पुलिस कमिश्नर को सिर्फ एक दिन का वक्त देते हुए पिछले एक महीने में दर्ज मामलों में हुई कार्रवाई का पूरा लेखा जोखा लिखित में मांग लिया। रियलिटी चेक किया उन एफआईआर में से, क्योंकि समय काफी लग जाएगा, इसलिए मैं लिख के मांग रहा हूँ। कितने टाइम में दे दो मेरे को, कल तक दे दो, कल तक एटीआर ऑफ एवरी एफआईआर रजिस्टर्ड, उसका वर्कआउट क्या हुआ, बंदे पकड़े गए नहीं पकड़े गए, माल रिकवर हुआ नहीं हुआ, जो भी एफ आई आर है किसी भी तरह की, उस पर कब कौन सी तारीख को किसको आपने अलॉट किया, उसने आगे क्या क्या कार्रवाई करी। कुल मिलाकर निरीक्षण में इस कदर खामियां मिली कि गब्बर की गर्जना से पूरा थाना कांप रहा था। पुलिस कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सिर झुकाए हाथ बांधे खड़े थे, जी हुजूरी में जुटे थे। फिर भी गब्बर को अधिकारियों पर रहम नहीं आया। उन्होंने अपने अंदाज में ही मौके पर थाने के एसएचओ सहित चार पुलिस कर्मियों को तुरंत सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। विज का कहना तो ये था कि उनका मन तो पूरा थाना सस्पेंड करने का था, मगर दस्तावेजों के अभाव में वो पूरा थाना सस्पेंड नहीं कर पाए। तो क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई क्या? देखिए यहाँ पर कोई भी कायदे कानून से काम नहीं चल रहा सारे थाने में। मन तो मेरा कर रहा है मैं सारे थाने को सस्पेंड कर दूं, लेकिन बहुत सारे दस्तावेज अभी मेरे सामने आए नहीं है। यहाँ पर जो मुंशी है उसके पास से बहुत सारी दरखास्तें मिली हैं जिनको रजिस्टर नहीं किया गया। जो नाइट मुंशी है वहां से भी मिली है, और वो विदाउट यूनिफॉर्म थाने में घूम रहा था। यहां से फेक करेंसी मिली है जो बैंक ने जमा कराई यहां पर, और बहुत दिन हो गए हैं उसको दर्ज तक नहीं किया, उसकी कार्रवाई नहीं की कि फेक करेंसी कौन सर्कुलेट कर रहा, कहां से आ रही है। देश का इससे बड़ा अपराध तो हो नहीं सकता। यहां से एसएचओ साहब के दफ्तर से बहुत एप्लीकेशनें मिली हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी और इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसलिए एसएचओ को, मुंशी को, नाइट मुंशी को मैंने सस्पेंड किया है। एक और को भी किया ना, क्या नाम उसका, मनदीप। पुलिस थाने में कई घंटों तक गब्बर की छानबीन चली, कभी इधर तो कभी उधर। पुलिस कर्मी दौड़ते रहते और गब्बर कदम कदम पर खामियां ढूंढ ढूंढ कर निकालते जाते। खैर, हरियाणा के दबंग मंत्री कहे जाने वाले अनिल विज का तो ये रूप कोई नया नहीं है। ये सारे पुलिस वाले विज के इस रौद्र रूप से भली भांति परिचित थे, मगर इनकी किस्मत ही शायद खराब थी जो इनका आज गब्बर से कुछ इस तरह पाला पड़ गया। पंचकुला से चंद्रशेखर धरनी के साथ उमंग शरण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।